वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी विथ राज में। लंबे समय से आप सबकी डिमांड थी कि 3 BHK लग्जरियस डुप्लेक्स हाउस लेके आने की, सो मैं लेके आया हूं आपके लिए 3 BHK लग्जरियस डुप्लेक्स हाउस। अगर साइज़ की बात की जाए सो ये जो हाउस है 15x50 स्क्वायर फीट का रहेगा। लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन जो रहेगी बॉम्बे हॉस्पिटल से 4 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है आपका ये लग्जरियस डुप्लेक्स हाउस। निपानिया इसकी लोकेशन रहेगी। अगर बात की जाए आसपास की एमिनिटीज़ की, क्योंकि आसपास की एमिनिटीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी घर के लिए परचेस करने की बात की जाए तो, सो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल, ग्राउंड, टेम्पल, डीमार्ट, यहाँ पे आपको सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्रोसरी शॉप्स मिलने वाली है। सो ये जो घर रहेगा आपका बहुत अच्छा रहेगा एंड वैल्यू फॉर मनी रहेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। गाइज, अगर प्राइस की बात की जाए इस घर की तो इसका जो प्राइस रहेगा मैंने वीडियो के लास्ट में रिवील करा है, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये हाउस। दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी है, और इंदौर में कहीं भी घर लेना चाहते हैं सो गो थ्रू दैट लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है और आप अपना फॉर्म पूरा फिल कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से 24 से 48 घंटे में कॉल आएगा, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द टूर ऑफ दिस हाउस। गाइस, ये जो रहेगा घर का बाहर का एरिया रहेगा, आप देख सकते हैं रोड कंडीशन काफ़ी मेंटेन रोड कंडीशन है, और यहाँ पे आपको जो आउटर पार्किंग मिलने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे कार पार्क्ड है। आपको मैं बताना ही चाहता हूँ कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने वाला आपका डीमार्ट। अगर बात की जाए घर के फ्रंट एलिवेशन की तो फ्रंट एलिवेशन में आपको काफ़ी अच्छी बाहर जो है डेकोरेटिव लाइट मिल रही है। रात के समय आपको कोई भी लाइटिंग का इशू नहीं रहेगा, टफन ग्लास का वर्क करा गया और काफ़ी अमेजिंग इसका एलिवेशन मिलने वाला है। आइए घर की विजिट स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी घर की, वो होता है मेन गेट। यहाँ पर आपको आयरन हैवी गेट मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे आयरन जो है गेट मिलने वाला है आपको। बात कर लेते हैं इंटरनल पार्किंग स्पेस की, तो यहाँ पे आपको 15x7 फीट का जो है इंटरनल पार्किंग स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी जो PVC सीलिंग करी गई है प्रॉपर, जिसमें लाइटिंग का प्रॉपर इस्तेमाल करा गया है, एंड ये जो रहेगा आपका वेंटिलेशन रहेगा, प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिल रहा है। स्पीशियस आपको जो है बड़ा विंडो मिल रहा है वेंटिलेशन के लिए, ताकि आपको कोई भी इशू ना रहे, काफ़ी कंजस्टेड फील ना हो, आपको इजी रहे घर में कंफर्टेबली आप ले सके, इसलिए प्रॉपर आपको विंडो दिया गया है। बात कर लेते हैं स्टेयर्स पे वर्क की, तो यहाँ पे आपको स्टेयर्स पे जो है लाइटनिंग दी गई है, ताकि आपको नाइट में कोई भी इशू ना रहे। मेन डोर की बात कर लेते हैं, मेन डोर जो रहेगा आपका 4 फीट का विड्थ रहेगा, और इसकी जो हाइट रहेगी 8 फीट की रहेगी। प्रीमियम क्वालिटी का आपका जो मेन डोर का मटेरियल रहेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है माइका फिनिशिंग मिल रहा है और हैवी हैंडल मिल रहा है। सो जैसे ही आप घर में एंटर करेंगे आपको एक ग्रैंड लुक मिलने वाला है, आपके डोर से ही आपके एंट्रेंस स्टार्ट होती है। गाइस, ये जो रहेगा हैवी माइका फिनिशिंग आपको मेन डोर मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का और इम्प्रेसिव आपके घर को लुक दे रहा है। मैंने आपसे कहा था कि 3 BHK का लग्जरियस डुप्लेक्स लेके आऊँगा, सो जो लग्जरियस वर्ड है ना, दिस मीन्स टू आपका लग्जरियस हाउस, दिस इज़ योर डोर, दिस इज़ योर इम्प्रेसिव डोर। आइए ड्राॅइंग एरिया का एक बार लुक देख लेते हैं। ये आपका जो रहेगा स्पेशियस ड्राइंग एरिया रहेगा, ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया। आपको मैं कुछ खास पॉइंट्स बताता हूँ ड्राइंग एरिया के। सबसे पहले आप देखिए जो मैंने आपको बाहर से वेंटिलेशन बताया था, स्पेशियस आपका वेंटिलेशन रहेगा। यहाँ पर आपको मिलने वाला है 3D वॉलपेपर। कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो है वॉलपेपर यहाँ पर लगाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है आपके इस ड्राइंग एरिया को। बहुत ही सुंदर और अच्छा डिसेंट लुक मिल रहा है आपके ड्राइंग एरिया को। टाइल्स की बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी घर के लिए टाइल्स कौन से इस्तेमाल करी गई है। दिस इज डिजिटल स्टूडियो टाइल्स, 4x2 की टाइल्स इस्तेमाल करी गई है, डिजिटल स्टूडियो टाइल्स। साइज़ की बात कर लेते हैं, साइज जो रहेगा लेंथ वाइज जो रहेगा आपका 20 फिट का रहेगा, विड्थ वाइज आपका जो रहेगा 15 फिट का रहेगा। 20x15 का आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया रहेगा, जिसमें ये जो पोर्शन रहेगा आप डाइनिंग एरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, जो फॉल सीलिंग आपको मिल रही है बहुत ही सुंदर मिल रही है, और लाइटनिंग प्रॉपर करी गई आपके फॉल सीलिंग में। आपने देख ही लिया कि फॉल सीलिंग का कितना अच्छा लुक आ रहा है, और जो उसकी लाइट ये डिजिटल साइज पर फॉल करती है, ये आपके घर को काफ़ी लाइटफुल बना रही है। अगर आप देखेंगे वहाँ से यहाँ तक तो आपको एकदम लाइटफुल लग रहा है पूरा घर, पूरा ड्राइंग एरिया आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोल लैंप्स इस्तेमाल करे गए, यहाँ पे आपको हैंगिंग कंसोल लैंप्स मिल रहे हैं,
और इस तरफ आपको मिलने वाला है टीवी पैनल। दिस इज टीवी पैनल जहां आप आराम से 55 इंच तक की टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं विथ प्रॉपर ड्रॉर्स। यहां पे आपको ड्रॉर्स प्रॉपर मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आपको क्या मिल रहा है। ये था आपका ड्राइंग एरिया, ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया। यहां पे मिलने वाला है आपको फुल्ली स्टोरेज मॉड्यूलर किचन। ये आपका फुल्ली स्टोरेज मॉड्यूलर किचन रहेगा। ऊपर आपको फॉल्स सीलिंग मिल रही है, नीचे आपको ये स्टोरेज और यहां पर भी आपको स्टोरेज कैबिनेट्स मिल रहा है। प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म रहेगा। यहां पे आपको जो है गैस पाइपलाइन कनेक्शन मिल रहा है। साइज की बात कर लेते हैं, साइज जो रहेगा आपका 7 फीट का रहेगा, 7 फीट, और ये जो रहेगा 11 फीट का रहेगा। 7x11 फीट का आपका जो रहेगा मॉडुलर किचन का साइज रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साउंडलेस कैबिनेट मिल रहे हैं जहाँ प्रॉपर आपके यूटेंसिल्स को अरेंज करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको मिलने वाला है आपका मास्टर बेडरूम फर्स्ट। माफी चाहूंगा सामान के लिए गाइस, ये जो वीडियो रहता है मैं स्पेशली आपके लिए रहता हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या कुछ वर्क बाकी हो, ताकि यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड गेट दिस हाउस एज सून एज पॉसिबल। दिए हुए नंबर पे कॉल लगाइए अगर ये प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन पसंद आ रही हो, और मैं और भी घर लाता रहूँ। और अपनी डिमांड कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए कि आप किस प्रकार के, और मुझसे अगर कुछ गलतियाँ होती है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, थोड़ा वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा और अच्छे अच्छे घर लाता रहूँगा। सो मास्टर बेडरूम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ये मास्टर बेडरूम फर्स्ट रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं आपका वॉलपेपर और कलर कॉम्बिनेशन और फॉल सीलिंग। ये आपका मास्टर बेडरूम फर्स्ट रहेगा। आइए मैं आपको यहां से अटैच इसका वॉशरूम बताता हूं। ये स्पेशियस वॉशरूम रहेगा। कुछ कुछ घर में 15x50 में अलग अलग प्लानिंग मिलती है, लेकिन वॉशरूम का साइज छोटा रहता है। यहां पे आपको जो है स्पेशियस जो है वॉशरूम मिल रहा है। सामान के कारण थोड़ा कंजस्टेड लग रहा होगा, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, घर भी लाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर पूरा क्लीन हो जाता है तो जल्द से जल्द बुकिंग हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि ये जो घर है आप बुक करें और अपना सपनों का महल साकार करें। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ से अटैच आपका वॉशिंग एरिया। ये जो रहेगा आपका वॉशिंग एरिया रहेगा, यहाँ पर आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है। और इस घर में वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तो आपको विंडो मिल ही रही है। ये विंडो इसलिए आपको यहाँ पे मिल रही है क्योंकि ऊपर यहाँ पे डक एरिया दिया हुआ है। डक एरिया से प्रॉपर लाइटनिंग आती रहे और आपके घर में लाइटनिंग आपको प्रॉपर मिलती रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2D वॉलपेपर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पर आपको क्या क्या मिलता है। आ गए हैं आपके लॉबी एरिया की तरफ। ये जो रहेगा आपका लॉबी एरिया रहेगा, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा साइट के लिए भी, मतलब पूजा एरिया भी बना सकते हैं यहाँ पर अगर आप बनाना चाहते हैं, या सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीन्स या टेबल अरेंज करके। एंड दिस इज़ योर वॉलपेपर गाइस, यहाँ पर जो वॉलपेपर कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें वो घर को डिसेंट एंड लग्जरियस फीलिंग दे रहे हैं। ऊपर मैं आपको एक बार फॉल्स सीलिंग बता देता हूँ, ये जो रहेगी आपकी फॉल्स सीलिंग रहेगी। अब जो रहेगा इसका प्लानिंग समझिए, इस तरफ है आपका मास्टर बेडरूम सेकंड, और उस तरफ है बैक साइड में जस्ट मास्टर बेडरूम थर्ड। कुछ कुछ घर में आप देखते होंगे प्लानिंग ऐसी होती है कि सीधे मास्टर बेडरूम सोते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेयर अप करके इस साइड में आपको मास्टर बेडरूम सेकंड मिल रहा है। आ जाइए आपके मास्टर बेडरूम सेकंड की तरफ, एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम सेकंड। आप देख सकते हैं मटेरियल अभी भी वॉलपेपर के पार्ट्स बाकी है यहाँ पे पूरी तरीके से। अभी ये कंस्ट्रक्शन जो है 1 महीने ओल्ड ही है, 1 महीने ही हुआ है कंस्ट्रक्शन हुए, सो काफ़ी गोल्डन, मतलब आपको एक अच्छा चांस मिल रहा है, और काफ़ी वेल प्लांट ये जो घर रहेगा और एक अच्छा चांस मिल रहा है, उसको गवाइए मत। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि अपन कुछ कारणवश ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी मत खोइएगा, इस घर को बिल्कुल जल्द से जल्द अपना बना लीजिए। एंड दिस इज़ योर वॉशरूम, अटैच वॉशरूम रहेगा। एक बार वॉशरूम का व्यू हो जाए, इसमें आपको यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है इंडियन सीट मिलने वाली है। ये जो रहेगी आपकी इंडियन सीट रहेगी। आपको इस घर में 2 जो रहेगा कमोड मिल रहे हैं और 1 इंडियन सीट मिल रही है। तो ये था आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम। आइए चलते हैं थर्ड मास्टर बेडरूम की तरफ, और वहाँ से देखेंगे गैलरी, जो अटैच गैलरी है, और वहाँ से देखेंगे आसपास का व्यू। आइए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डाउन स्टेयर दिया हुआ है।
और ये आपका मास्टर बेडरूम थर्ड। वास्तु को फॉलो करने वाले, क्योंकि अधिकतर इंडियंस वी फॉलो द वास्तु, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है इस तरफ टीवी का दिया हुआ है। और यहाँ पर भी काफ़ी जो है आपको अच्छे खासे बोर्ड्स मिल रहे हैं, आपको तीन साइड बोर्ड्स मिल रहे हैं, एक इस तरफ आपका बोर्ड मिल रहा है, यहाँ पर आपके दो बोर्ड मिल रहे हैं, ताकि अगर यहाँ पर आप जो आपका बेड लगाएंगे तो दोनों साइड आपके जो भी यूज़ करना चाहते हैं सर्किट के माध्यम से, तो आप वो कर सकते हैं और लैंप्स रख सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ पर भी आपको फाइन वर्क मिल रहा है, मतलब जो यहाँ पर आपको वर्क मिल रहा है ना, आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको वॉलपेपर का प्रॉपर वर्क मिल रहा है, दोनों साइड प्रॉपर वर्क मिल रहा है। और ऊपर आप देखिए आपकी फॉल सीलिंग अच्छी, यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग मिल रही है। और यहाँ से आपको तीन स्लाइडर मिल रहा है आपका वेंटिलेशन, ये तीन स्लाइडर है जिसमें आप देख सकते हैं एक आयरन का रहेगा, एक आपका नेट रहेगा, एक ग्लास रहेगा। आइए यहाँ से देखते हैं गैलरी। ये जो रहेगी आपकी गैलरी रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर पीवीसी का वर्क है और आसपास का व्यू देख लीजिए यहाँ से। शाम का समय अगर आपके बालक या बच्चे खेलना चाहते हैं तो बाहर खेल भी सकते हैं। सिक्योरिटी अच्छी खासी रहेगी, लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देखिए टफन ग्लास का वर्क, ये आपका टफन ग्लास का वर्क है, स्ट्रॉन्ग डबल ग्लास इस्तेमाल करेगा। आइए चलते हैं टेरेस की तरफ, वहाँ से देखेंगे आसपास का व्यू। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आपको तीनों जो रहेगा, तीन बेडरूम्स है, तीनों बेडरूम में जो है आपको मिलने वाले हैं अटैच वॉशरूम, उसमें से थर्ड बेडरूम का थर्ड वॉशरूम रहेगा, स्पेशियस आपको वॉशरूम रहेगा। चलते हैं टेरेस की तरफ, आसपास का व्यू देखेंगे और एंजॉय करेंगे वहां से व्यू। आइए। हाँ जी, टेरेस पे आ चुके हैं, टेरेस से आसपास का व्यू हो जाए एक बार, देखिए आसपास का व्यू। आपको इतनी बसावट बहुत कम इलाके में मिलती है गाइस, बसावटी इलाका है, हर जगह आप देख सकते हैं कि आपको घर बसे हुए दिख रहे हैं। आसपास ही मंदिर है, शिव मंदिर है, आपके सारे मंदिर आसपास रहेंगे। सो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आएगा। एमिनिटीज जैसे मैंने आपके संग डिस्कस करी सारी पास में है, ऊपर आपको स्टोरेज टैंक मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका फ्रंट साइड था, बैक साइड से आपको व्यू दिखा देता हूँ और गार्डन भी आपको दिख जाएगा। बैक साइड रहेगा घर का, आप देख सकते हैं आपको ग्राउंड मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल भी रहे हैं। सो आपसे मैंने कहा था कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ये घर पसंद कर लिया ना गाइस, सारी एमिनिटीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। गार्डन, ग्रोसरी शॉप्स, डीमार्ट सब आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ जी, प्राइस बताना है ना, तो प्राइस जान लेते हैं इसके बारे में। प्राइस जो रहेगा इस घर का 69 लाख रहेगा गाइस, 69 लाख जो रहेगा प्राइस, ये चेंज भी हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है 69 लाख रहेगा। निगोशिएबल है, हाँ जी निगोशिएबल है। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। साइनिंग ऑफ प्रॉपर्टी विथ राज, थैंक यू सो मच।